सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल राजेश में। सो जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पर देख रहे हैं, मैं आपको डिजिटल ज्ञान के बारे में अपडेट आपको देता रहता हूँ, कंप्यूटर से संबंधित एंड इसके अलावा अदर टॉपिक से भी आते रहते हैं यहाँ पे वीडियोज हमारे। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या है। बहुत लोगों को लग रहा होगा बहुत बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपने ले लिया इसको, बट मैं आपको बता दूं ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग बोलते हैं बहुत इजी है, बट इसकी परिभाषा बताना सबके बस का नहीं होता है। तो जो मैं इसकी आपको डिफिनेशन बताने वाला हूँ बहुत ही इजी तरीके से, अगर आप इसको एक बार याद कर लेंगे ना तो दोबारा भूलेंगे नहीं। तो परिभाषा जो इसकी आपको 9th में 10th में 11th 12th में आपको जो सब्जेक्ट में मिलती है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है, कुछ कुछ मैच करती है बट वहाँ पे आपको इजी तरीके से याद नहीं होता है। तो अगर आपको भी डाउट है कि कंप्यूटर क्या है, इसकी डिफिनेशन आपको जानना है, तो यह वीडियो आप पूरा देखना, मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, आपका टाइम बचाने के लिए मैं बहुत ही इजी तरीके से काम करूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इंट्रोडक्शन लिख रखा हुआ है, आप इसको लिखते जाइए, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, इसको लिखते जाइए जिससे आपको आसानी से याद रहे परमानेंट के लिए। तो आप देख पाएंगे कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यहां तक सबको पता होता है, बट इसके आगे क्या होता है वो देखिए। तो कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट के रूप में आंकड़ों को ग्रहण करके तथा ये देखिए यहां तक आप रुक जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, आंकड़ों को ग्रहण करके तथा उसका विश्लेषण करके प्राप्त परिणामों को आउटपुट पर दर्शाता है। मैं एक बार दोबारा से आपको बोल रहा हूं कि कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट के रूप में आंकड़ों को ग्रहण करके तथा उसका विश्लेषण करके प्राप्त परिणामों को आउटपुट पर दर्शाता है। ये एक छोटी सी परिभाषा है जो आपको बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि आपने परिभाषा तो लिख ली, आपको समझ में आ गया, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत दिन बाद जब टॉपिक उठता है हमारे पास में तो हम भूल जाते हैं कि हमारा ये कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा बताते हैं आपको। देखिए कि कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे कि आप सबको पता होता है कि कंप्यूटर जो कि बहुत तेजी से कार्य करता है, मतलब ऐसी बहुत सारी डिवाइसें हैं बट जो हमारा कंप्यूटर है वो बहुत तेजी से कार्य करता है, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ना कि ह्यूमन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब बात करते हैं यहां पे आगे, जो कि इनपुट के रूप में आंकड़ों को ग्रहण करके मतलब जो हमारा डाटा होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आप कीबोर्ड या स्कैनर से जो भी डाटा आप उसको इनपुट करते हैं उसे हम आंकड़े या डाटा बोलते हैं। तो यहां पर परिभाषा क्या आ रही है, जो कि इनपुट के रूप में आंकड़ों को ग्रहण करके, क्लियर, ग्रहण करके तथा, अब ग्रहण तो कर लिया उसके बाद क्या होगा वो आप देखिए, तथा उसका विश्लेषण करके ऑप्शन होता है कंप्यूटर का, हमें स्टोरेज करना है, ठीक है, कुछ करेक्शन करना है, तो वो अपने आप उसको विश्लेषण कर लेता है उसका, ठीक है, तथा उसका विश्लेषण करके प्राप्त परिणामों को आउटपुट पर दर्शाता है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई डाटा आता है टाइप करने के लिए, हमने उसको टाइप कर लिया, ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को हम टाइप कर लेते हैं, हमारे पास डाटा इनपुट हो गया। अब जो यहाँ पे विश्लेषण, इसको अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो हम अपनी फाइल को क्या करते हैं, सबसे पहले सेव कर लेते हैं जिससे हमारा डाटा कभी इरेज ना हो, ठीक है। अब डाटा को हमने सेव कर लिया, अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो डाटा है, ठीक है, ये देखिए अभी हमने जो डाटा यहाँ पे लिख रखा हुआ है इसको आप अगर डस्टर से मिटा देंगे तो ये मिट जाएगा, ठीक है, और कंप्यूटर में अगर आपने ये डाटा को टाइप कर लिया और उसको आपने सेव नहीं किया है तो डाटा आपका कभी भी डिलीट हो सकता है। अगर आप सीपीयू में काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट लाइट चली गई तो आपका सिस्टम बंद हो सकता है, डाटा आपका चला जाएगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इस पे कि इसको अगर मुझे सेव करना है तो कंट्रोल एस के माध्यम से हम फाइल को डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, या मेनू बार में जाके वहां पे सेव का ऑप्शन आता है, वहां से इसको हम सेव कर सकते हैं। अब सेव करने के बाद हमारी फाइल प्रॉपर तरीके से सुरक्षित हो जाती है, जो कि अब डाटा कभी इरेज नहीं होने वाला है। तो ये हमारा विश्लेषण हो गया। यहाँ पे विश्लेषण एक्चुअली होता क्या, जब हम फाइल को एंटर कर डाटा को एंटर कर रहे थे वो हमारे वहां पे वहीं पे प्रोसेसिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। अब डाटा हमारे पास प्राप्त हो चुका है, डाटा हमारे पास अब प्राप्त हो चुका है। अब इसका आउटपुट पे कैसे दर्शाएगा, आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मॉनिटर पे जो आपको डाटा मिल रहा है, जो भी हमने टाइप किया वहां पे मॉनिटर पर आपको डाटा वहां पे मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी हमने डाटा वहां पे टाइप किया उसको हम देखना चाहते हैं तो मॉनिटर हमें वहां पे प्रॉपर दिखा रहा होता है। एंड इसके अलावा आउटपुट देखने के लिए एक तरीका और हमारे पास में होता है, जो कि कभी आपका इरेज नहीं हो सकता है, कि इस फाइल को जो भी डाटा हमने बनाया हुआ है इस फाइल को हम प्रिंट कर लें हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी में आप प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर लीजिए। अब डाटा आपके पास में सुरक्षित हो चुका है, आपके पास से फाइल आ चुका है, उसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। और या इसको आप उठा के फाइल को अपने पास मेल कर लीजिए, तो वो जो फाइल होगी आपके पास में प्रॉपर परमानेंट के लिए सुरक्षित हो जाएगी। क्लियर? तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बट इसमें डाउट बहुत ज्यादा होते हैं। टॉपिक बहुत इजी है बट इसमें डाउट भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमने इसीलिए इसको टॉपिक को उठाया है, ठीक है। तो इसको आप परिभाषा इसकी जो है मैंने वो आपको बताई बिल्कुल इजी तरीके से, उसको आप सेव कर लीजिए, मतलब अपने फाइल में आप लिख लीजिए रफिया कॉपी में, ठीक है। उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है यहां से। तो टॉपिक अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट लगता है, इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट लगता है तो उस पर आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। हमें सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो उस पर भी आपको वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और आपको बता दूं अभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर पूछते रहना, तो उस पर मैं वीडियो बनाते रहूंगा, ठीक है। और उसके अलावा भी मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा जो कि आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बहुत ज्यादा कारगर होंगे, ठीक है। तो उनके जो मैं क्या करूंगा कि आपको जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ना, वैसे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो जितना भी वहां पे आता है जितने मैं क्वेश्चन दूंगा 100% मैं आपको तो श्योर बता रहा हूं कि अगर मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं, 20 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो वहां पे आपको 10 क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं पेपर में। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ में।